कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, यानी अब लोग प्रतिबंध के दायरे से कुछ हद तक बाहर हैं, बाहर निकल सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अब अनलॉक में उनकी लापरवाही कहीं फिर से भारी ना पड़ जाए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप देखिए लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो आप देखिए अभी भी, आपने भी ना मास्क लगाया ना कुछ। मास्क की जरूरत पड़ती है, गुटखा खा रहे थे इस वजह से नहीं लगा पाया। गुटखा खा हम तो वहाँ से देख रहे थे, आप आ रहे थे रिक्शा लेकर, लगा लेते हैं वो गुटखा खाने के लिए ऐसे, लेकिन आपको लगता क्योंकि आपका तो सवारी बैठती है फिर ऐसे लापरवाही भारी पड़ सकती है? लगा ही रहती है ना, लगा रहता, अभी हल निकाला था गुटखा खाने के लिए। मास्क ये यही मास्क है, तमाम ऐसे लोग हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने मास्क क्यों लगाया। क्यों भैया मास्क क्यों लगाया आपने? भाई ये लगा ही रहा हूँ, ये लगा हाथ में। अभी देखो लॉकडाउन खुल गया तो फिर ऐसा आपको लगता है भारी पड़ सकता है ये? दरअसल ये ऐसी स्थितियां इसलिए बनती है क्योंकि अब अनलॉक हो जाने के बाद अब देखिए तमाम लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं बाहर, लेकिन ये घातक हो सकता है। देखिए आपको बताएं कि दरअसल ये पूरा जो अनलॉक का सिस्टम है इसे ग्रेडेड तरीके से लागू किया गया है, यानी लोग बाहर निकल सकते हैं लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का उन्हें पालन करना है। उन्हें ये नहीं देखना है कि अनलॉक हो गया है तो इसका मतलब कोरोना चला गया है, दरअसल संक्रमण की रफ्तार कम हुई है और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कोरोना कर्फ्यू। एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू जैसे हालात ना बने, लोगों पे प्रतिबंध ना लगे, इसलिए अब लोगों को भी जागरूक होना होगा, उन्हें समझना होगा कि अगर उन्हें ये आजादी मिली है तो इसमें कम से कम उन्हें बाहर निकलते समय कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है। कई ऐसी लोग हैं जो भोपाल में अभी भी आपको दिख जाएंगे बिना मास्क पहने बाहर निकल रहे हैं और ये संक्रमण को एक तरीके से देखा जाए तो न्योता ही दे रहे हैं। जैसे इनको भी देख लीजिए भैया, मास्क खुद ही हाथ में लगा, ये तो मुंह में लगाने के लिए है। वो गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है लेकिन घातक पड़ता है। ये तस्वीरें हैं जो अभी भी देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आशंका से पहले एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। कैमरामैन निशात खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।